हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 11। सबसे पहले आप लोग वर्ड मीनिंग लिख लीजिए चैप्टर 11 का। इस वीडियो को पॉज करके आप लोग वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा, तो हम लोग आज आगे देखते हैं, चैप्टर 11 को स्टडी करेंगे। चैप्टर 11, द लायन एंड द माउस। लायन और मॉस के बारे में कहानी है। गॉड हैज गिवन ए स्पेशल क्वालिटी टू एवरी पर्सन एंड एनिमल इन दिस वर्ल्ड। गॉड जितने भी इस दुनिया में लोग हैं और जानवर हैं, उनको एक स्पेशल तरह का क्वालिटी दिए है, गुणवत्ता दिए है कि हर कोई एक यूनिक चीज कर सकता है। हर के पास अपना अपना एक एग्जिस्टेंस है। We must treat everyone well. हम लोग को सबको अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए, मतलब सबको एक जैसा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखना चाहिए। There lived a lion in a forest. एक फॉरेस्ट में एक लायन रहता था। One day the lion was sleeping under a tree. एक दिन लायन एक पेड़ के नीचे सो रहा था। A mouse comes to his hole and was running up and down on lion's body. Mouse अपने होल से, मतलब जो सुरंग होता है, बिल होता है, उससे वो बाहर आता है और दौड़ने लगता है ऊपर नीचे लायन के शरीर पे। It disturbed the lion's sleep. वह लायन के स्लीप को, मतलब सोए हुए लायन को डिस्टर्ब करता है। He became very much angry. वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है। He caught the mouse in his paw and said, वो मॉस को पकड़ता है अपने पंजे में और बोलता है, How dare you wake up the king of the jungle? I will punish you. बोलता है कि तुम कैसे हिम्मत किए जंगल के राजा को उठाने में, मैं तुम्हें सजा दूंगा। आई विल पनिश यू। मॉस बोलता है कांपते हुए, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, ओ किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के राजा, तुम मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस यू नेवर टू मेक सच अ मिस्टेक अगेन। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा। Perhaps, बल्कि I may be able to help you someday. बल्कि मैं हो सकता है किसी दिन तुम्हारी मदद करूँ। ये सुन के लायन बोलता है laughing loudly, जोर से हंसते हुए बोलता है, हा हा हा, What a big joke! कैसा मजाक है, कितना बड़ा मजाक है। A little mouse will help me. एक छोटा सा चूहा मुझे मदद करेगा। Okay, I let you free to go home. Okay, ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ घर जाने के लिए। Mouse, thank you, my lord. Mouse बोलता है, धन्यवाद मेरे lord. After many days passed, the lion was caught in a hunter's net. बहुत दिन गुजर जाने के बाद लायन क्या होता है, पकड़ा जाता है एक हंटर, मतलब शिकारी के जाल में। The lion was caught in a hunter's net. शिकारी के जाल में लायन पकड़ा जाता है। The lion roared for help. लायन मदद के लिए चिल्लाता है, गरजता है। The mouse heard his roar and went in search of him. मॉस उसकी गर्जन चिल्लाहट को सुनता है और उसकी खोज में निकल जाता है। Soon the mouse found the lion in the net. जल्दी मॉस लायन को पाता है एक जाल में फंसा हुआ। लायन,
ओ लिटिल मॉस प्लीज हेल्प मी, लायन बोलता है ओ लिटिल मॉस, ओ छोटे चूहे प्लीज, मतलब कृपया मेरी मदद करो। मॉस, ऑफ कोर्स माय लॉर्ड आई विल हेल्प यू। मॉस बोलता है ऑफ कोर्स मतलब जरूर मैं आपकी मदद करूंगा। द मॉस कट द नेट विथ हिज शार्प टीथ, मॉस अपने नुकीले दांतों से उसका जो जाल है जिसमें लायन फंसा हुआ है उसको कट कर देता है। लायन बोलता है थैंक यू माय लिटिल फ्रेंड, और बोलता है कि धन्यवाद मेरे छोटे दोस्त। नाउ आई नो दैट लिटिल थिंग्स आल्सो हैज अ ग्रेट वैल्यू, नाउ अब मुझे पता चला कि एक छोटे से भी चीज में बहुत ही मूल्य होता है, बहुत ही बलवान होता है छोटा चीज भी। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को दो बार तीन बार देखिएगा तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगा और उसके बाद आपको हर वर्ड का मीनिंग आपको याद हो जाएगा। और आप लोग वर्ड मीनिंग रिमेम्बर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग पेज नंबर 54, 55 और 56 बनाकर लाइएगा और आप लोग वर्ड मीनिंग रिमेम्बर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।